हम आए थे लुलु मॉल घूमने, लेकिन रास्ता भटक गए। अब कहाँ है पता नहीं। कहा अपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे और एंड तक प्लीज़ देखना। तो आज मैं जा रही थी लुलु मॉल। सो एट फर्स्ट गए मेट्रो स्टेशन भजरहली के, तो इस साइड से गए ऊपर। फिर ऊपर जाके याद आया कि मास्क नहीं ली, पता नहीं मास्क नेसेसरी है या नहीं। फिर भी मैं गई पास के फार्मेसी स्टोर में मास्क लेने, उधर से मास्क ली 10 रुपीज़ का। फिर मास्क लेके फिर गए दूसरा साइड से मेट्रो स्टेशन। फिर उधर से अपने फ़ोन पे ही मैंने टिकट बुक कर लिया था नम्मा मेट्रो का व्हाट्सअप से। और इधर मैं जाते हुए जा रही हूँ सोन पापड़ी खाते हुए, अपना जूता साफ करते हुए। मेरे लिए तो ये नॉर्मल है, आप लोगों के लिए अब नॉर्मल लगेगा, कोई बात नहीं। तो मैं जा रही हूँ इधर वेट की। फिर आया मेट्रो ट्रेन, फिर ग्रीन लाइन में हमको जाना था मैजेस्टिक। फिर मैजेस्टिक पहुँचे, आप देख सकते कितना क्राउड है। संडे का दिन था तो और ज़्यादा क्राउड था, डबल रहता है। इतना अंडरग्राउंड में है फिर भी देखिए कितना क्राउड है। फिर ऊपर गए पर्पल लाइन कैंगरी, मैं उतरना था नेक्स्ट स्टेशन ही क्रांति बिरा संगोली कुछ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन से लुलु मॉल पास में है, लेकिन उधर रेलवे स्टेशन जाके रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं बोल रही हूँ ट्रेन से जाएंगे अभी लुलु मॉल, तो आगे देखते रास्ता मिलता है या नहीं। तो आगे जाके जाते जाते लेफ्ट साइड में नीचे उतरने का जगह मिला, रास्ता मिल गया नीचे जाने का। नीचे उतर के भी चलना था तो उधर मेरे को कंपनी मिल गया है, क्यूट सा। देखिए पता नहीं इसके गले में क्या है। भटकते भटकते आगे मेन रोड देख सकते हैं, प्रेस्टीज ग्रुप का वो है, अभी चल रहे हैं फुटपाथ। Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. इधर चलते चलते धूप में वाटरमेलन मिला इधर, तो 1 प्लेट का 20 रुपीज़ था, तो 1 प्लेट ले ली। फाइनली धूप सेकते सेकते लुलु मॉल मिल गया। बैक साइड से जा रही थी, फ्रंट वाला उस साइड है, कोई नहीं चलो अंदर जाने का जगह तो मिल गया, वही काफ़ी अच्छा। फिर मॉल के अंदर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि एक्चुअली घूम नहीं जाते मॉल, मेनली कपड़ा वपड़ा खरीदने नहीं जाते, बहुत प्राइस है, खून के आंसू रोना पड़ेगा। तो इधर मिला मुझे मुर्गा अंकल। फिर ऊपर जा रही थी देखते क्या है, एक्चुअली मैं गई थी गेम्स खेलने, देखते गेम्स का क्या प्राइस है। एक्चुअली गेम बाद में खेल लेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो फिर मैं ऊपर जा रही रेस्टोरेंट्स में, एक्चुअली मुझे बर्गर खाना था, बहुत भूख लगा था, बर्गर पसंद है मुझे तो बहुत, कहा है बर्गर बर्गर बर्गर। मिल गया KFC, लाइन में खड़े हैं ऑर्डर देने, पता नहीं अल्लाह बचा ले। दीदी बहुत दाम बोल रही थी, थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं दी, बट कोई नहीं भूख लगा है। फाइनली मिल गया बर्गर। जल्दी बोल, कल सुबह परवेल निकलना है। खा पी के मैं गई गेम साइट, प्राइस में पूछी थी पहले ही, पहले देखने गई क्या क्या गेम्स है या नहीं, और अपना फेस ही उठा रही थी क्योंकि बोल तो कुछ नहीं रही थी। तो देखते क्या क्या गेम्स है। गेम्स में था क्या, जंगल सफारी, काहे का जंगल सफारी, असम में तो रियल लाइफ का जंगल सफारी करती हो। एक
एक्चुअली मैंने टिकट काउंटर के उधर प्राइस पूछी, एक कार्ड का प्राइस था 1118 रुपीज़, दैट इज़ द लोएस्ट प्राइस। तो वापस आने का टाइम हो गया, गेम खेलो तुम लोग अमीरो। हमारे पास पैसा नहीं है तो बिना गेम के ले हम जा रहे हैं वापस, पैसा नहीं है ना गेम। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो गेमिंग्स का प्राइस सुन के तुरंत निकल गई मैं, नहीं रहना मेरे को इधर। तो ये दूसरा साइड का गेट है, चलिए आज के लिए हो गया घूमना फिरना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए, थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक करो।